गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की सब्जेक्ट इंग्लिश की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड क्लास में हमने आपको आरबी संबंधी परिवर्तन की शुरुआत की। आरबी संबंधी परिवर्तन में हमने आपको बताया कि भाई साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि आरबी में ऑब्जेक्ट हो तो सेस इज और सेड को टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो ज्यों की त्यों रहने देते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा दूसरे परिवर्तन के बारे में। तो रूल नंबर थर्ड डाले आप, रूल नंबर थर्ड डालें। समझा तो मैंने पहले ही दिया आपको, और लिखना स्टार्ट करें। ये आरबी संबंधी परिवर्तन का रूल नंबर थर्ड है। लिखें, प्रश्नवाचक तथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में तथा सेड को आप ज्यों की त्यों लिखते जाए तो हम लगा के ही सेड को क्रम से आस्क्ड में बदल देते हैं। ये आस्क्ड लिखा हुआ है पीछे, ASKED। प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में प्रश्नवाचक आपने लिखा, अभी तक क्या लिखा, प्रश्नवाचक तथा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में, चाहे वो प्रश्नवाचक है और चाहे प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक है, यानी कि चाहे वो केवल इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है, आपने लैंग्वेज तो लिखी ली, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, से अगर दिया हुआ है तो आस कर देते हैं, सेज अगर दिया हुआ है तो आस कर देते हैं, और सेड अगर दिया हुआ तो आस कर देते हैं। यहां तक आपने लिखा, आगे आपको इसी में लिखना है रेगुलर, आस कर देते हैं कि आगे से आपको लिखना है, चाहे आरवी में कर्म हो, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, कर्म हो या ना हो, या ना हो। तो बेटा अब तक जैसे कि साधारण तथा नकारात्मक वाक्य समझने के प्रयास करें, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में हमने क्या किया था बेटा, कि से सेज और सेड को
टेल्स और टोल्ड में परिवर्तित किया था, लेकिन वहां पे किसकी बाध्यता थी, किसका होना जरूरी था, कर्म का यानी कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी था, कहां पे, आरवी में। लेकिन यहां पे कर्म की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे कर्म है और चाहे नहीं है। प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में से को आस, शेष का आस और सैड को आस में बदलना ही पड़ता है, ये आपने लिख लिया। चाहे कर्म हो या ना हो, आपने ये लिखा है, यही लिखा है ना बेटा, चाहे कर्म, चाहे आरबी में कर्म हो या ना हो, इसी में आगे लिखेंगे, इसी में लिखना है बेटा आगे। और नियम अनुसार, और नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं, और नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं। लिख लिया सबने? अब मैंने उसमें साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में बेटा डायरेक्ट लिखाया, क्या लिखाया कि डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्टिव लगा देती, और हमने यहां पे क्या लिखा है बेटा, नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं। क्या लिखा आपने? नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं। तो नियम अनुसार का मैं कारण बताऊंगा आपको। अब आपने लिखा एंड में, नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं, इसके आगे रेगुलरिटी में लिखना है तथा तथा आरवी में दिए हुए, आरवी में दिए हुए टू को भी हटा देते हैं, आरवी में दिए हुए टू को भी हटा देते हैं। तो सीधी सी बात है, अब समझने का प्रयास करें, से को आस में बदलना ही है, शेष को आस्ट में बदलना ही है, सेड को आस्ट में बदलना ही है, चाहे ऑब्जेक्ट हो और चाहे ना हो। कैसे वाक्यों में बेटा? प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। और टू को भी हटाना ही है, जो हमने एंड में लिखा है उसको भी हटाना ही है, लेकिन कनेक्टिव नियम अनुसार लगाना है। तो अभी आप एक लाइन छोड़ेंगे बेटा बीच में और फिर लिखेंगे, कोई रूल वगैरह नहीं डालना है, वैसे ही लिख लेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बेटा। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब से, शॉर्ट में लिख लेना, एचवी से थ्रू लिखते जाए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में, वाक्यों में इफ, इफ या वेदर, इसको वाइदर भी बोलते हैं, इफ या वाइदर कनेक्टिव लगाते हैं, इफ या वाइदर कनेक्टिव लगाते हैं। इफ या वाइदर कनेक्टिव लगाते हैं, और आगे लिखते जाएं बेटा, और WH वर्ड से, WH वर्ड से शुरू होने वाले, शुरू होने वाले वाक्यों में, WH वर्ड से
वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड को ही डब्ल्यू एच वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में लेते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में लेते हैं, तो इसका मतलब ये है बेटा, अब आप समझे, लिख लिया होगा आपने कि यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य तो उसमें आरबी का कॉमा हट जाएगा और इफ या वेदर कनेक्टिव के रूप में आएगा, और यदि डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि हूम है, विच है, वेयर है, वाई है, समझ रहे हो ना, यदि ये सब हाउ मेनी है, हाउ मच है, यदि ये शब्द आते हैं, इनसे शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है तो डब्ल्यू एच वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में लेते हैं, कोई और कनेक्टिव नहीं लगता है। डब्ल्यू एच वर्ड जो है, चाहे वेयर दिया हुआ है, चाहे वाई दिया हुआ है, चाहे हुम दिया हुआ है, विच दिया हुआ है, वेन दिया हुआ है, हाउ मेनी दिया हुआ है, तो वो वर्ड ही डब्ल्यू एच वर्ड जो आपकी डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है वो ही किसका काम करेगा बेटा, कनेक्टिव का काम करेगा। लिख लिया आपने बिल्कुल। अब बेटा पहले हमको ये रिपीटेशन करना है जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने लिखा है। तो मैंने बेटा आपको आज लिखाया, देख लें कोई मिस्टेक हो गई हो, मैंने जो लिखाया उसके बारे में आपको बताता हूं। मैंने लिखाया बेटा, हमने स्टार्टिंग आज डब्ल्यू एच वर्ड से की है। किससे की है बेटा? डब्ल्यू एच वर्ड से। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों से, यानी कि हमने इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव इन नेगेटिव से शुरुआत की है कि इनमें आरबी में किस प्रकार से चेंजिंग होता है। तो मैंने केवल दो बातें लिखाई हैं आपको, वो क्या लिखाई है कि इनडायरेक्ट बनाते समय यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, समझे बात सब वहां पर लिखाई है, उसको समझने का प्रयास करें। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सेज और सैड को किसमें बदलते हैं बेटा? आस्क और आस्क में, चाहे वो किसी भी प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है या हेल्पिंग वर्ब वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टू को हटा देते हैं और लिखा है उसमें कि नियम अनुसार कनेक्टिव लगा देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो सेम भी है कि किसी भी प्रकार का हो, से को आज कर, चाहे कर्म हो चाहे ना हो, ये भी आपको लिखा दिया, मतलब कोई भी डाउट हमने छोड़ा नहीं, इसमें कर्म की कोई वाध्यता नहीं है, निश्चित है से को आज में बदलना है, सेज को आष्ट में बदलना है और सैड को आष्ट में। फिर मैंने लिखा है कि नियमानुसार कनेक्टिव लगा देते हैं, तो इसमें बेटा थोड़ा सा अंतर है, नियमानुसार का मतलब ये है, इसलिए लिखा है ये लैंग्वेज मैंने इसलिए लिखाई क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में तो वेदर कनेक्टिव के रूप में आता है और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में किया जाता है। बेटा एक हल्का सा नोट और लिख लें, वो लिखना जरूरी है, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बेटा फिर पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। नोट लिखेंगे बेटा, क्योंकि जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। नोट लिखें, लिखना स्टार्ट करें, ध्यान रहे इनडायरेक्ट नरेशन
इनडायरेक्ट नरेशन कभी भी, इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन कभी भी प्रश्नवाचक में नहीं बनता है। ध्यान रहे, इनडायरेक्ट नरेशन कभी भी प्रश्नवाचक में नहीं बनता है। प्रश्नवाचक में नहीं बनता है। यदि डायरेक्ट नरेशन, लिखते जाएं बेटा, डिटेल में लिखना जरूरी है। यदि डायरेक्ट नरेशन, यदि डायरेक्ट नरेशन प्रश्नवाचक हो तो वह साधारण में बदल जाता है, और यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, और यदि प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक हो तो वह केवल नकारात्मक रह जाता है, देखो बेटा, आपने लिख लिया होगा। अब आप जो मैंने लिखाया है उसको मैं आपको बताता हूं। मैंने ये बात लिखाई है बेटा, समझे आप उसको, कि डायरेक्ट स्पीच का या डायरेक्ट नरेशन का जो वाइप होता है क्वेश्चन पेपर में जो आता है उसे हम क्या बनाते हैं बेटा, सबको पता है क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में साधारण वाक्य आता है तो वो साधारण रहता है, नकारात्मक आता है तो वो नकारात्मक रहता है। लेकिन यदि प्रश्नवाचक में डायरेक्ट नरेशन है और उसे हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वो कैसे आ जाएगा बेटा, साधारण, कैसा हो जाएगा, साधारण। और यदि वो प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो वो कैसा बन जाएगा, केवल नकारात्मक रह जाएगा, प्रश्नवाचक नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जब प्रश्नवाचक नहीं रहेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं आएगा एंड में। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, आप ध्यान से समझेंगे लिखेंगे बाद में, पहले बेटा समझेंगे, लिखना नहीं है समझना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हम दोनों प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे। लिखता हूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता है, इस है Are you? Taking, लिखना है ये बेटा अभी से, टी ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला मैं एक वाक्य और लूंगा और फिर आप तीनों को उतारेंगे। रोहित सैड, थोड़ा नीचे देखता हूं क्योंकि वहां पे उसको आधार बनना है। रोहित सैड टू मी, Do you
He said to me, "Where are you going? Where are you going?" अब ध्यान से समझेंगे बेटा को, जो जो हमने लिखा है उसको हम सत्यापित करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग सारे परिवर्तन आर्मी में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमने ये वाक्य देखा बेटा, आप ये तो जानते हो कि ये हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है वो आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है बेटा आर एस। हमने देखा कि हमारा वाक्य है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है डायरेक्ट नेशन का। तो अब हम आरबी को हल करेंगे तो ही साइड का क्या हो जाएगा बेटा, आज हो जाएगा। मैंने बताया इसमें ऑब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं है, तो सेट का हमने क्या कर दिया बेटा आज। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है तो कनेक्टिव आपको क्या लगाना है बेटा, क्या लगाना था आपको पता है, मैंने बताया था इन लगाना है या वाइदर, इन दोनों में से एक लगाना। लेकिन इस पहले की सरलता की दृष्टि से हम ज्यादातर क्या लगाते हैं बेटा इफ, जरूरी नहीं है कि इफ ही लगाए, वाइदर भी लगा सकते हैं लेकिन इफ लगा दिया। अब वैसे आरबी तो यहां तक हल हो गई, पर मैंने आपको एक बात और नोट के रूप में लिखाई तो उसे भी मैं समझाऊंगा कि हमारा जो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, यदि वो प्रश्नवाचक होता है तो वो किसी भी कंडीशन में इनडायरेक्ट बनाते समय प्रश्नवाचक नहीं रहता है। तो आपको और चीजों पर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब ज्यादा ध्यान देने का मतलब कि भाई ये टेंस चेंज वर्ब चेंज कैसे हुआ, टेंस चेंज कैसे हुआ, कैसे यू चेंज हुआ, इन बातों के बारे में हम आगे बताएंगे जब आ रहा है संबंधी परिवर्तन बताएंगे। तो यहाँ पे वैसे मैं कुछ बच्चे अगर जानते हो तो सिंपली बताता हूँ कि हमें जब साधारण बनाना है सबसे पहली बात तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक नहीं रहेगा, साधारण बनाना है इसको तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले यहाँ पे कर्ता लाना पड़ेगा। साधारण में क्या आता है, सबसे पहले कर्ता आता है तो यू आता है, यू को हमें चेंज करना होता है आर एस संबंधी परिवर्तन में, ये समझाएंगे आपको। तो यू को हमने यहाँ पे आई कर दिया, आप ई या सी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेंस चेंज होगा तो इसके साथ बेटा बाज आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने आपको बोल दिया अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी तो आप केवल ये समझेंगे ये साधारण कैसे बनेगा, तो साधारण ऐसे बनेगा बेटा प्रश्नवाचक की, सबसे पहले प्रश्नवाचक में तो डब्ल्यू एच वर्ड आता है या क्या आती है बेटा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है जब साधारण बनाना है तो इफ आई, ये हमने सब्जेक्ट ला दिया वाज। अब 18 और आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो वियर्ड है, तो आस्क चेंज हुआ, इफ कनेक्टिव आया हेल्पिंग वर्ब से शुरू, यहाँ यू का आई हो गया वाज, वाज कैसे हुआ आई कैसे हुआ ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दूसरे को हल करते हैं बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था आस्क हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आस्क टू हट गया बेटा, मैंने लिखा दिया आपको एंड में मी, ये कॉमा भी गया और कनेक्टिव यहाँ भी हमने क्या लगा दिया बेटा इफ, क्या लगा दिया इफ, ठीक है भाई इफ कनेक्टिव लगाया बेटा। अब हमें ये भी साधारण बनाना है सिंपल से भाई, कैसा बनाना है साधारण, अब साधारण बनाना है तो इसमें भी हमें कर्ता को पहले लाना है तो यहाँ भी आई हो गया। अब यहाँ पे ये जो शाय क्रिया है
वो हट जाएगी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि खिचड़ी हो जाएगी आपके दिमाग। तो यहाँ पे हमें जब इसको साधारण बनाएंगे तो साधारण वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट के में एमडी सेकंड आती है। तो इफ आई लाइक जिसका बेटा समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन के हिसाब से दैट हो जाएगा। इफ आई लाइक दैट रूम, तो हमको केवल इतना ध्यान देना है कि सेट का यहाँ पे आज हुआ इफ कनेक्टिव लगाया है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में। इसके अलावा इस वाक्य को हमने जब इनडायरेक्ट बनाया तो कैसा हो गया बेटा, ये अफर्मेटिव में बदल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। केवल इतना समझना है ये सारे परिवर्तन आपके आरएस संबंधी यानी कि रिपोर्टेड एसपी संबंधी परिवर्तन में आएंगे। मैं एक एक करके बड़ी बारीकी से एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। मेरा दावा है आपकी समझ में जरूर आएगा, लेकिन अभी से आप उतना ही समझने का प्रयास करें जितना मैं समझा रहा हूं। तो आप देखिए आज को हो गया ठीक है, टू हट गया, कॉमा गया, इफ कनेक्टिव आया और हमने इसको साधारण बना दिया। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला है तो दोनों में ही साइड का आज को होता है, दोनों में ही टू हटता है, दोनों में ही कॉमा हटता है, लेकिन नियम अनुसार कनेक्टिव लगता है। मैंने आपको हल्की सी लैंग्वेज दिखाई थी। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला है तो मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में रखा जाता है। तो हमने डब्ल्यू एच वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में रख दिया, यूज में ले लिया, प्रयोग में ले लिया। अब ये भी सिंपल सेंटेंस बनना है। ये बेटा जो डब्ल्यू एच वर्ड है ध्यान रखें कि डब्ल्यू एच वर्ड का काम नहीं कर रहा है, कनेक्टिव का काम कर रहा है, संयोजन का काम कर रहा है दोनों वाक्यों के बीच में। तो वेयर अब यहां भी जब हम इसको साधारण, ये कनेक्टिव का काम कर रहा है ना कि डब्ल्यू एच वर्ड का। अब हमें वाक्य को कैसा बनाना है बेटा, साधारण। साधारण बनाना है पहले क्या आएगा, कर्ता। कर्ता क्या है, यू। यू बदल जाएगा बेटा आई में, आर बदल जाएगा वाज में, गोइंग जो भी तो रहेगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। अब आपको ये तीनों सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ये दूसरा एग्जांपल है डायरेक्ट नरेशन का, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ये तीसरा है, ये तीसरा हाल है। तो एक दो और तीन, और फिर भी मैंने बेटा आपको कल मेरा मोबाइल नंबर दे दिया था, आप सुबह 8 से 10:30 तक कोई भी चीज आपकी, कोई भी बात आपकी, कोई भी रूल आपके, कोई भी एग्जांपल आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उस नंबर पर बेझिझक पूछ सकते हैं। ये ना सोचेंगे सर जी जाने क्या कर रहे होंगे। अगर आपका मैं कॉल, वैसे तो 99% में आपका कॉल अटेंड करूंगा और आपको समझाऊंगा, अगर अटेंड भी नहीं कर पाऊंगा तो मैं बाद में जैसे आपकी कॉल बैक देखूंगा कोई मिस कॉल है तो मैं बैक कॉल करूंगा। तो आपको पूछना जरूर है, समझ में नहीं आया तो अब आप इन तीनों को नोट करें बेटा, फिर हम आरएस संबंधी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। तीनों को आराम से नोट करें। नोट करते रहें। इस टॉपिक में बेटा लेते रहें और मेरी बात को सुनते भी रहें ध्यान से। इस टॉपिक में आप लापरवाही ना करें,
अगर ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में क्लास 10th के में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ये मेरा दावा है। क्योंकि नरेशन का थोड़ा विस्तार ज्यादा है, लेकिन हम धीरे धीरे सारी चीज को समझेंगे। नोट कर ले बेटा आराम से। कल भी वैसे मैंने आपको 500 प्रकार के मतलब साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक सारे एग्जांपल देके पहले आपको समझाए थे और बाद में आपको रूल्स मैंने चालू किए थे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वैसे फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। मैं सोचता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तीनों एग्जांपल आपको नोट करने थे। शायद आपने नोट कर लिए होंगे, अब मैं इनको मिटाता हूं। हो जाता है फिर चमकता है, आपको दिखाई कम देता है। तो बेटा मैं सभी आरवी संबंधी परिवर्तन जो मैंने आपको समझाए दो मिनट में रिपीट करता हूं। हमने आपको सबसे पहले बताया कि भाई साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों में यदि आरवी में ऑब्जेक्ट हो तो से और सैड को टेस और टोल्ड में बदल देते हैं। आरवी में दिए हुए टू को हटा देते हैं और अंत में कॉमा को हटाकर कनेक्टेड दैट लगा देते हैं। ये तो हमने साधारण तथा नकारात्मक वाक्यों की बात की। फिर हमने प्रश्नवाचक वाक्यों की बात की और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की बात की। तो वो हमने क्या बताया बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य हो या प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य हो, आरवी में ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। वाक्य यदि प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य तो सेज और सैड को क्रम से आस्ट आस्ट और आस्ट में बदलना ही है। टू को हटा देना है और अंत में लगी हुई कोमा को हटाकर नियम अनुसार कनेक्टिव लगाना है। नियम अनुसार कहते कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले मैफिया वेदर लगाना है और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग में लेना है। और मैंने आपको एक नोट लिखाया, उसमें मैंने बेटा आपको लिखाया कि किसी भी कंडीशन में डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते तो इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य कभी भी प्रश्नवाचक नहीं रहता है। यदि वो केवल प्रश्नवाचक है तो अफर्मेटिव में बदल जाता है यानी कि साधारण में बदल जाता है, और यदि वो प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो बेटा वो कैसा हो जाता है, नकारात्मक रह जाता है। अब हम आर एस संबंधी परिवर्तन स्टार्ट करेंगे। कैसे बेटा, आर एस संबंधी यानी कि रिपोर्टेड स्पीच संबंधी परिवर्तन।
रिपोर्टेड स्पीच संबंधी परिवर्तन। एक पार्ट के परिवर्तन हो गए, अब दूसरे पार्ट के परिवर्तन समझने बेटा, इसके आरएस संबंधी परिवर्तन के। तो आरएस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं बेटा तीन प्रमुख रूप से, कौन कौन से। नंबर एक, लिखना नहीं है अभी से क्योंकि बीच में यहां पे लैंग्वेज आएगी पहले। नंबर एक, यहां पे लैंग्वेज आएगी बेटा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। नंबर दो, समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन। और तीसरा है बेटा, ऐसे किसी को भी पहले ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो अब आप दो लाइन छोड़ेंगे बेटा, और अगर आपने हेडिंग डाल दी है तो एक लाइन छोड़िए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको दो लाइन छोड़नी है। दो लाइन छोड़ के आप आरएस संबंधी परिवर्तन डालेंगे, जैसे आपने आरई संबंधी परिवर्तन डाला वैसे क्या डालेंगे, आरएस संबंधी परिवर्तन। हेडिंग डाल दें आरएस संबंधी परिवर्तन, देखिए नीचे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ये तो आप समझ रहे हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। तीन प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं जो जो निम्न प्रकार से हैं, जो निम्न प्रकार से हैं, इसी तरह से तीनों को लिख ले बेटा तीन लाइन में। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन और टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन, तीनों को नोट कर लें। बस बेटा एक ही बात का ध्यान रखना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा थोड़ा उसको डाइजेस्ट करते जाएं, समझते जाएं, फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं।
तीनों को लिख लें। आपने शायद लिख लिया होगा उत्कार। उत्कार सर हाँ बेटा आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में समझेंगे। इसके बारे में बेटा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में आप एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे बेटा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। केवल हेडिंग डालनी है आपको और फिर समझना है क्योंकि मैं थोड़ी सी आपके साथ परिचर्चा करूंगा और थोड़ा सा समझाऊंगा प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा सा बताना है आपको। वैसे वॉइस में मैं आपको बता चुका हूं पहले। आपने हेडिंग डाल ली होगी प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन है तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में क्या करना है देखो समझे आप। प्रोनाउन आप जानते हो कि प्रोनाउन के तीन बर्तन होते हैं। फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं बेटा आई और वी। ये फर्स्ट बर्तन में आते हैं लिखना नहीं है आपको। सेकंड बर्तन में आता है बेटा केवल यू और थर्ड में जो बच गए वो सारे ही सी एन दे और किसी का नाम। नाम है वो तो फिर संज्ञा ही हो जाती है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही सी एट और दे। तो ये जो है बेटा थर्ड पर्सन की नो चेंज, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा चाहे कहीं भी आए। सेकेंड पर्सन बेटा आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ यानी कि आरवी के कारण से। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ और फर्स्ट पर्सन है वो आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ। फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से यानी कि रिपोर्टिंग परिवर्तन कहां कर रहे हैं प्रोनाम संबंधी रिपोर्टेड स्पीच में अकॉर्डिंग टू आरवी। आप देख लो आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आई और वी से रिलेटेड प्रोनाम को हम आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। यू से संबंधित प्रोनाम को आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते थे और थर्ड पर्सन है ही सी एट ऑफ दे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आरवी के सब्जेक्ट लेकिन ये नहीं है कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज तो होगा लेकिन दिए हुए प्रोनाउन की वही फॉर्म आएगी जो अंदर विद्यमान है। तो अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है यार आई और वी बदलेंगे आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से यू बदलेगा आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से और ठीक है। लेकिन सारा डाउट मैं क्लियर करूंगा आपका।
तो आपने हेडिंग तो डाल ही रखी है, रूल नंबर एक डालेंगे। अच्छा तो बेटा काफी टाइम हो गया है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन का रूल नंबर एक से हम कल आपको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर